सबसे पहले कि हम कलाम खुदा को सुने। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है इस अच्छे प्यारे और बाबरकत टीवी ग्रेस नेटवर्क टीवी के लिए। मेरी दुआ है कि खुदा ग्रेस नेटवर्क टीवी और इनकी तमाम टीम को बकसरत इस्तेमाल करें और इन्हें जगह ब जगह अपने जलाल में बढ़ाए। और मैं ग्रेस नेटवर्क टीवी के लिए शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे आज खुदा के कलाम की खिदमत के लिए मौका दिया है। सो मेरा नाम पास्टर विल्सन बट्टी है और यूजीए चर्च से हूँ मैं, बल्दिया टाउन सेक्टर 9 कराची से। सबसे पहले मैं एडवांस में तमाम नाजरीन को हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर कहता हूँ। और उसके बाद आइए हम खुदा के कलाम पर थोड़ा सा गौर करते हैं। देखिए, जैसे ही दिसंबर का आगाज होता है तो हमें जगह ब जगह खूबसूरत और छोटे छोटे और बड़े बड़े स्टार दिखना शुरू हो जाते हैं। और वो स्टार जो है हमें घरों में, कलीसियों में, चर्चों में और बहुत सी जगहों में जो है हमें वो स्टार नजर आना शुरू हो जाते हैं। और जैसे हमें ये स्टार जगमगाते नजर आना शुरू होते हैं, हम इस बात को समझ जाते हैं कि मसीह यीशु की पैदाइश का दिन अब नजदीक आ चुका है। सो चूंकि स्टार हमें दिसंबर के शुरू में ही नजर आना शुरू हो जाते हैं, तो इसकी वजह ये है कि स्टार जो क्रिसमस पर हमें नजर आते हैं, इनका कंसेप्ट जो है ये खुदावंद के कलाम के साथ है। मैं आपके साथ एक हवाला पढ़ूंगा बाइबल मुकद्दस में से। हम इस हवाला को पढ़ते हैं। ये हवाला है मत्ती की इंजील उसका दूसरा बाब और दूसरे बाब की 9वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है। और वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक के उसी जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। खुदावन के पाकलाम के पढ़े सुने जाने के वसीला से खुदावन की बरकत हो। सो मेरे जो आइए हम खुदावन के पाकलाम पर थोड़ा सा गौर करते हैं कि हमने स्टार के बारे देखा कि खुदावन ने एक बहुत बड़ा स्टार जो है वो मकरर किया जिसका काम ये था कि वो मजूसियों को रोशनी दे और मजूसियों को अपनी रहनुमाई में लेकर आए और वहां तक पहुंचा दे जहां पर वो बच्चा यानी कि मसीह खुदावन मौजूद है। और फिर हम इस बात को जानते हैं कि मजूसियों को जो है वो स्टार यानी कि सितारा यीशु तक ले आया। तो यहाँ पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि जो स्टार है यानी कि जो सितारा है, इसने मजूसियों को यीशु मसीह के पास लाने की अपनी जिम्मेदारी बखूब जो है वो बखूब उसे पूरा किया। तो मैं समझता हूं कि मसीह की पैदाइश पर स्टार ही जरूर क्यों जो है वो मकरर किया गया, क्योंकि देखें कि मसीह की जब पैदाइश हुई तो स्टार नजर आया। हम देखते हैं कि जब हम यहूदियों के परचम पर थोड़ा सा गौर करते हैं तो उस परचम के ऊपर बना हुआ हमें एक स्टार नजर आता है। इसलिए कि यहूदियों को जब परचम को देखा जाए तो मजूसियों ने यह बात जान ली कि ये जो सितारा हमने देखा पूरब से जो निकला है ये जरूर यहूदियों के बादशाह की पैदाइश की खबर हमें सुना रहे हैं। तो फिर हमने बाइबल मुकदस में से पढ़ भी सकते हैं मत्ती की इंजील दूसरे बाब में कि जब वो मजूसी हेरोदीस के पास आए तो उन्होंने आकर हेरोदीस बादशाह से यही कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। तो मैं समझता हूं कि स्टार इसलिए मुकर्र किया गया क्योंकि यहूदियों के परचम के अंदर भी स्टार मौजूद है। सो आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया कि स्टार जो है उसने रोशनी दी और मजूसियों को वो यीशु मसीह तक पहुंचाने में उनकी रहनुमाई करता रहा। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं अब
स्टार जो था उसने रोशनी देकर मजूसियों को यीशु के पास पहुंचा दिया, मगर अब बहुत से सितारों की हमें यानी कि बाइबल के मुताबिक और जरूरत है। और वो बहुत से सितारे हमें बाइबल मुकद्दस के जो है रोशनी के वसीला से पता चलता है कि वो जो सितारे हैं वो कौन हैं। कलाम मुकद्दस में हम जानते हैं कि जैसे इस सितारे ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, आज खुदावंद का कलाम, खुदावंद का फजल और खुदावंद का हुक्म मसीहों पर, क्रिश्चियनों पर, कादमों पर भी जो है उन्हें स्टार बनाकर जो है वो मुंतखब करता है कि तमाम मसीह लोग, तमाम खदाम जो है वो क्या करें, जो है सितारों की तरह चमकें। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमने ये देखा कि यहूदियों के जो है परचम के ऊपर स्टार बना हुआ है, तो इसलिए उन्होंने स्टार को देखकर कहा कि यहूदियों का बादशाह है। मैं आपको एक और जो है परचम के बारे में बताना चाहता हूँ कि वाकई मसीह कौम जो है वो स्टार है, मसीह कौम जो है वो सितारे हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में हम देखेंगे कि मसीह कौम के लोग जो है वो सितारे हैं। हम तमाम मसीहों का, खादमों का ये काम बनता है कि हम सितारों की तरह चमके और बखेरे ऐसे लोगों पर चमके, अपनी रोशनी दें जो कि अंधेरे में है, तारीकी में है, गुमराही में है और परेशानियों के आलम में है। हमें उन पर सितारों की तरह जो है वो खुदा की कलाम को रोशन करना है और हमें भी उन्हें वहां तक लेकर आना जा मसीह। सबसे पहले देखें कि पाकिस्तान का जो परचम है उसके अंदर, पाकिस्तान के परचम जब हम गौर करते हैं तो वहां पर परचम के बैक साइड पर व्हाइट कलर का एक निशान है जो कि मसीहों को साबित करता है। और फिर जब हम उस परचम को गौर से देखते हैं तो उस परचम के अंदर जो स्टार बना हुआ है मेरे जो, वो भी व्हाइट कलर का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परचम के अंदर भी मसीहों को ही सितारे कहकर मुखातब किया जा सकता है। तो इसलिए मैं आज तमाम मसीहों को ये बताना चाहता हूँ, तमाम कौम को, तमाम खादमों से मैं यही कलाम शेयर करना चाहता हूँ कि हम जो मसीह लोग हैं हम सितारों की मानिंद, उस बड़े सितारे ने मजूसियों की मदद की और यीशु तक पहुंचाया। आज हम मसीहों को भी चाहिए कि हम भी जो है बहुत से लोगों को मसीह खुदावन तक लेकर आए। तो इसलिए मेरे जो जरा देखिए कलाम मुकद्दस के अंदर मरकज की इंजील में लिखा हुआ चौथे भाग की किस में आपके अंदर वहां पर लिखा हुआ है, चिराग जलाकर पैमाना के ऊपर रखते हैं। इसका मतलब ताकि तमाम आने जाने वालों को रोशनी मिले। तो मेरे जो हम मसीह लोग, हमें खुदा ने ऊपर का रुतबा दिया है क्योंकि यीशु मसीह खुदावन ने अपने लोगों से कहा कि तुम दुनिया के नूर हो, यानी कि मसीह लोग दुनिया के नूर हैं, मसीह लोग सितारे हैं, उनके अंदर जो है पाक रूह की रोशनी होनी चाहिए, उनके अंदर कलाम की रोशनी होनी चाहिए। यीशु मसीह ने इसलिए अपने तमाम लोगों से कह दिया कि तुम दुनिया के नूर हो। तो मैं समझता हूं कि हमें अपने उस खुदावन के हासिल किए हुए नूर के वसीला से बथेरे को तारीकी से निकालकर मसीह खुदावन के पास लेकर आना बड़ा जरूर है, क्योंकि मसीह कौम सितारों की मानिंद है, उस सितारे के माने जो पूरब से निकला और मसीह तक उनको लेकर आ गया। इसी तरह मेरे जो हमें भी बहुत से ऐसे लोगों को लेना है और कलाम की रोशनी उन पर जाहिर करके उन्हें हमने लेकर आना है यीशु मसीह खुदावन के पास। यीशु मसीह खुदावन खुद भी एक बहुत बड़ा जो है वो सितारा है। हम काशव की किताब पढ़ते हैं 22वां बाब उसकी 16वीं आयत के अंदर लिखा है यीशु मसीह के बारे के लिखा है कि यीशु मसीह खुदावन सुबह का चमकता हुआ सितारा है। तो उस सितारे ने हमें रोशनी दी, उसने खुद कहा मैं दुनिया का नूर हूं, फिर वही रोशनी उसने अपने लोगों पर जो है वो डाली और कहा अब तुम दुनिया के नूर हो। तो जैसे मसीह चमकते हैं उसके लोगों को भी कलाम की रोशनी के अंदर चमकने की और जो है रोशनी जो है वो सदर करने की जरूरत है ताकि बथेरे लोगों को हम यीशु मसीह खुदावन के पास लाने का वसीला बने। मैं कहना चाहता हूं कि जो मसीह के साथ एक बार मिल जाता है, यानी कि जो चमकता हुआ सितारा यीशु है, उसे जो भी मिल जाते हैं वो तारीकी से अंधेरे से बाहर आ जाता है। और कलाम मुकद्दस के अंदर जब हम यूहन्ना के अंजील उसका चौथा बाब पढ़ते हैं तो वहां पर एक ऐसी औरत है जो मुकम्मल तौर पर तारीकी के अंदर है, अंधेरे के अंदर है। जैसे वो चमकते हुए सितारे मसीह खुदावन को मिली तो कलाम मुकद्दस के अंदर हम देखते हैं यूहन्ना चौथे बाब के अंदर
कि वो जो अंधेरे के अंदर औरत थी उसके अंदर सुबह के चमकते हुए सितारे ने, यानी कि यीशु मसीह ने अपनी रोशनी उसके अंदर डाली और वो खुद एक सितारा बन गई। और फिर कलामी मुकद्दस के अंदर लिखा है कि वो अपना गला वहीं छोड़कर शहर की तरफ दौड़ी और वहां जाकर उसने पूरब के सितारे की तरह वो से लोगों को जमा किया और यीशु मसीह के पास उन्हें भेजा और सबको बताया कि ख्रिस्ती वो जो मसीह आने वाला है देखो वो आ गया। तो मैं समझता हूँ ये सामरी औरत एक बहुत बड़ा जो है वो सितारा बन गई मेरे, जो हमें भी जो है यीशु मसीह की रोशनी को बहुत से लोगों तक फैलाना, ताकि हम बताएं कि हमारा मसीह खुदावंद 2000 से कई ज्यादा साल हो चुके हैं कि वो दुनिया में आ गया है और अब वो जो है वो अपने लोगों को बुलाता है और अपने लोग उसने मुकर्रर किए हैं। जैसे पूरे में उसने एक सितारा मुकर्रर किया, ऐसे ही उसने आज बहुत से अपने खुदाम बेटे बेटियों को मुकर्रर कर रखा है कि वो बहुत से लोगों को यीशु मसीह खुदावंद तक लेकर आए। और जब हम कलामी मुकद्दस में पैदाइश की किताब का मुताला करते हैं 15 बाब की 15 बाब पर, तो आप देखिए वहां पर बजाते जो है खुदा ने खुद अब्राहम से कहा कि मैं तेरी औलाद को आसमान के सितारों की मानिंद जो है बनाऊंगा। तो मेरे अजीजों अब्राहम की औलाद पहले यहूदी हैं और मसीह को कबूल करने के वसीला से अब हम भी रूहानी तौर पर जो है वो अब्राहम की औलाद हैं। तो यहां से भी ये बात वाजी होती है कि मसीही कौम मसीही लोग खादम जितने भी हैं ये सारे के सारे जो हैं ये सितारे हैं और खुदा ने खुद कहा मैं इनको सितारों की मानिंद बना दूंगा। तो जरूर है कि हम जितने भी खिदमत गुजार लोग हैं, जितने भी हम मसीह घराना से खानदान से ताल्लुक रखते हैं, हमारे अंदर नूर होना चाहिए, हमारे अंदर रोशनी होनी चाहिए, हमारे अंदर खुदा का जलाल आना चाहिए। हम बथेरों को सामरी औरत की तरह जो है हमें काम करना चाहिए, हमें बहुत सारों को यीशु मसीह खुदावन की खबर सुनानी चाहिए जैसे पूरब के सितारे ने खबर सुनाई और जैसे सामरी औरत ने बिशारत दे दी, रोशनी दी और अपने अपने उस जो है वो तब्दीली के बाद उसने लोगों को बता दिया कि ख्रिस्ती मसीहा आ चुका है। तो मेरे जो हमें भी जरूरत है कि हम भी बथेरों को बताएं कि मसीह खुदावन दुनिया में आ चुके हैं, अब वो हमें बुलाते हैं कि आओ मेरी बेटी और मेरे बेटे आओ और मुझ पर ईमान लाओ, हमेशा की जिंदगी को हासिल करो। मैं आपको बड़ा प्यारा सा एक हवाला बताना चाहता हूँ यूहन्ना की अंजील पहले बाब की, और जब हम उसकी 41वीं आयत पढ़ते हैं तो वहां पर बड़ा जबरदस्त एक वाकया रोनुमा हुआ है। वहां पर यह हुआ कि एक सगे भाई ने इंद्रियास ने अपने भाई पतरस शमौन को जो है क्या किया, पहले अंद्रयास यीशु मसीह के साथ मिला और यीशु का नूर उसके अंदर कन्वर्ट हुआ और जैसे ही अंद्रयास ने यीशु के नूर को हासिल किया वो सितारा बन गया। उसके बाद उसने फिर क्या किया, उसने अपने सगे भाई शमौन को यानी कि पतरस को भी यीशु के पास लाया और मसीह खुदावन ने उसे भी अपने नूर से इतना भर दिया कि अब वो पतरस जो शमौन यानी कि जो कैफा है इस हवाले के अंदर मसीह ने खुद कहा शमौन अब तू कैफा होगा और बथेरों को जो है मेरे पास लाने का वसीला था। तो मैं बताना चाहूंगा कि इंद्रियास ने क्या किया, अपने सगे भाई को यीशु के पास लाया और जब वो यीशु के पास लाया तो यीशु ने उसे इतना बड़ा सितारा बना दिया कि लिखा है कलामे मुकद्दस के अंदर कि उसने इतना बड़ा सितारा होने का आजाद हासिल कर लिया कि अब वो जब कलाम सुनाता है, अब जब उसके अंदर से नूर निकलता है तो वो नूर जो है वो बथेरों को यीशु के पास लाने का जरिया बनता है। पतरस के वसीला से हजारों लोगों ने फिर मसीह खुदावंद को कबूल किया। इसकी वजह क्या, इंद्रियास ने अपने भाई को यीशु मसीह के पास लेकर आया क्योंकि यीशु सुबह का चमकता हुआ सितारा है, इंद्रियास पर यीशु सितारा चमका उसके अंदर नूर आया और जो इंद्रियास ने फिर अपने सगे भाई पतरस को यीशु के पास पेश किया और उसके अंदर नूर आया और पतरस एक बहुत बड़ा सितारा बन गया और हजारों लोगों को यीशु मसीह खुदा उनके पास लाने का वसीला बना। मैं समझता हूँ जैसे पूरब से सितारा चमका इसी तरह सामरी औरत भी एक सितारा बनकर चमकी, बथेरों को यीशु के पास लाने का वसीला बनी, अंद्रयास बना, इसके साथ साथ ही जो है वो पतरस भी। सो आइए कलाम का बाकी हिस्सा हम इस ब्रेक के बाद जो है देखेंगे। Jingle bells, jingle bells.
हम बाइबल मुकदस में से ये देख रहे थे कि कैसे खुदा जो सुबह का चमकता हुआ सितारा यीशु है, कैसे वो इंद्रियास के पास आया और इंद्रियास ने अपने सगे भाई को यीशु मसीह के पास लाने का वसीला बना। और मैंने अभी बताया था, वाजे तौर पर बताया कि फिर वही नूर ने यानी कि उस रोशनी ने क्या किया, पतरस को बहुत बड़ा सितारा बनाया और एक वक्त में 3,000 लोग की तादाद ने मसीह खुदावंद को कबूल किया। तो ये ऐसा सितारा है अब जिसे मसीह खुदावंद ढूंढ रहे। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि मजदूर भेजे खुदा, फसल पक चुकी है। अब कलाम मुकद्दस की रोशनी के मुताबिक खुदा को सितारों की जरूरत है, मसीह बेटियों की, बेटों की, खादमों की जरूरत है कि वो आए और खुदा की रोशनी को पाए और सितारों की तरह चमकें और इतना चमकें कि तमाम अंधेरों में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालें। जैसे मैंने बताया कि पतरस के चमकने से यानी कि उसके कलाम सुनाने से एक वक्त में बड़ी बड़ी तादाद यीशु मसीह को कबूल करने लगी। सो गौर कीजिए, आज भी तारीकी में बहुत से लोग हैं और कलाम मुकद्दस उनसे ये फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जीव, तो मसीह का नूर तुम पर चमकेगा। आज बहुत सारे लोग सोए हुए हैं, रूहानी तौर पर सोए हैं, वो रस्मी क्रिसमस मनाते हैं, वो रस्मी जो है इबादतें करते हैं, वो रूहानी तौर पर उनके अंदर कोई सितारों जैसी रोशनी नहीं है। लेकिन ये हमें चाहिए, तमाम मसीह लोगों को चाहिए कि हम ऐसे लोगों को जो तारीकी के अंदर सो चुके हैं, जो तारीकी के अंदर जो है फंस चुके हुए हैं, हमें चाहिए कि हम उन्हें तारीकी में से बाहर निकालें और इस हवाला को उन तक जो है पहुंचाएं कि खुदावन का कलाम कहते हैं सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ और फिर मसीह का नूर तुम पर चमकेगा। तो हमारे मसीह का नूर जिंदों पर चमकता है। लिखा है कि खुदावन का नूर ऐसा चमका जब मसीह पैदा हुआ, इफ्तार ने रोशनी दी और फिर इसके साथ साथ जो है खुशखबरी की मुनादी होगी कि देखो यहूदियों का बादशाह पैदा हो चुका, उससे पहले बेशुमार पेशगोईयां कर दी गई। लेकिन सारी बातों का आज मैं जो आपके साथ छोटा सा पैगाम शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि हम मसीही लोग सितारे हैं, क्योंकि अब्राहम की और सामियोरत की और दीगर हमने मिसालें देखी कलाम मुकद्दस के अंदर के वाकई मसीही लोग सितारों जैसे हैं। तो मेरे जो हमारे अंदर खुदावन के कलाम का नूर होना चाहिए, हमारे अंदर खुदा के कलाम की रोशनी होनी चाहिए ताकि जब हम बात करें तो हमारे मुंह से कलाम सादर हो, ताकि जब हम बोलें तो खुदा का जलाल हमारे बोलने के वसीला से, और लोग तौबा करें और लोग मसीह को एक्सेप्ट करें और लोग मसीह तक आए और जो है हम उन्हें यीशु मसीह के पास लाने के लिए मकरर हुए हैं। जैसे सितारा मकरर हुआ पूरब से निकला, आज खुदा ने पूरी दुनिया में से बहुत से सितारे मकरर किए हैं, वो दुनिया के बहुत से इलाकों में, बहुत से शहरों में से, बहुत से मोहल्लों में से, बहुत सी कलीसियाओं में से खुदा ने सितारे मकरर किए हैं जो बाहर निकले और अपनी रोशनी के वसीला से बथेरों को यीशु मसीह खुदा उनके पास लेकर आए, ताकि वो सितारों की तरह उन्हें यीशु के पास लें और यीशु मसीह खुदावन तक उन्हें पहुंचाएं और खुदा उन्हें बरकत दे। सो मैं कहना चाहता हूं, अगर हमारी जिंदगी के अंदर नूर नहीं है, अगर हमारी जिंदगी के अंदर रोशनी नहीं है, अगर हम मसीह तक अब तक अगर हमारी रसाई नहीं है, तो फिर मेरे जो ये बड़े बड़े सितारे लगाना, बड़े बड़े सितारे जो है वो सजाने, मैं समझता हूँ कि ये महज है। अगर हमारे अंदर सितारों की रोशनी हो तो फिर असल सच्चा और हकीकी हम क्रिसमस मनाने के लायक है। हमें हर लिहाज से उन तमाम लोगों पर रोशनी डालनी है, उन तमाम लोगों को गाइड करना है जो मुकम्मल तौर पर ना उम्मीदी की जिंदगी बसर करें। तो जो हमें जो है हम जो सितारे अपने आप को कहते हैं, हमें चाहिए कि हम खुदा के कलाम को अपने अंदर जो करते रहे और जैसे हमें कोई ऐसा शख्स मिले तो हमें उन्हें जो है खबर सुनानी चाहिए कि आइए मसीह खुदावन के पास आए, मसीह ने आपके लिए जो है वो जान दिया, मसीह ने आपको जो है खरीद लिया, मसीह ने आपको अपना ले पालक बेटा और ले पालक बेटी जो है वो इंतखाब कर लिया है। इसलिए सितारे ने अपनी बड़ी जिम्मेदारी पूरी की, अब हम पर भी बड़ा जरूरी है कि हम भी सब बड़ी ईमानदारी से, दयानदारी से जो है अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें कि मसीह खुदावन ने हमें अब ये जिम्मेदारी दे दी है कि हम बथेरों को यीशु मसीह खुदावन के
पास लाने का सबब बने। मेरा एक खास छोटा सा मैसेज है कि जैसे इंद्रयास अपने सगे भाई को यीशु मसीह खुदावंद के पास लेकर आया, इसी तरह हमें भी सबसे पहले अपने घर वालों को मसीह खुदावंद के पास लेकर आना है। क्योंकि लिखा है कलामी मुकद्दस के अंदर कि घर का खादिम को चाहिए कि पहले घर का इंतजाम करे। अपने घर को बचाना, अपने घर को निजात देना, ये भी हमारे लिए बड़ा जरूरी है। सगों को लाएं, बहनों को लाएं, भाइयों को लाएं, शोहर बीवी को लाएं, बीवी शोहर को लाएं, बच्चों को लाएं, बड़ों को लाएं, पड़ोस को लाएं, और फिर जहां तक हमें जहर साइयों बथेरों को मसीह खुदावंद के पास लाने का वसीला बने। सो आज सबसे बेहतरीन जो मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहता था वो यही है कि पूरब से जो सितारा निकला उसने बथेरों को यीशु के पास मजूसियों को लाने का वसीला बना। हमें भी चाहिए हम अपनों को, पराओं को, गैरों को और बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह खुदावंद के पास लाएं, ताकि जिंदा मसीह खुदावंद बथेरों को अपने पास देकर उन्हें बरकत दे। क्योंकि लिखा है जो जो मसीह के पास आया खुदावंद ने बरकत दी, जो जो मसीह के पास आए खुदावंद ने शफा दी, जो जो मसीह के पास आए मसीह ने उन्हें तसल्ली दी और हकीकी इत्मीनान दिया। जो मसीह के पास आ जाते हैं मसीह उन्हें बरकत देता है। इसलिए हमें इस साल इस क्रिसमस पर बहुत से लोगों को मसीह खुदावंद के पास लेकर आना है, उस चरनी में जहाँ यीशु मसीह है, यानी कि हमारे दिलों के अंदर। हमें यीशु के पास बथेरों को लाना है। अगर हम नहीं लेकर आते तो फिर इसका मतलब ये है कि हम बुझे हुए सितारे हैं, और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें ये बड़ा शर्फ अता किया, हम उसे अब्बा यानी कि ए बाप कहकर पुकार सकते हैं। जरूर है कि हमारी जिंदगी में खुदा उनके कलाम का नूर बाकसरत से हो, और हम बथेरों को इस जो है नूर के वसीला से खुदावन यीशु के पास लाने का जरिया बने, और खुदावन यीशु मसीह अपने पास आने वालों को कभी जो है वो खाली नहीं जाने देता, बल्कि उन्हें आसमान की बादशाही में मीरास दे देता है। इसलिए मैं आपको एक और बात बताऊँ कि खत के अंदर लिखा है तुम मेरी तरफ आओ तो मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा। जरूर है कि हमें कलाम की रोशनी में और खुदावन के खादमों के वसीला से खुदावन यीशु के पास आना है, ताकि फिर जब हम मसीह के पास आ जाएंगे तो फिर वो हमसे ये कहेगा आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों उस मीरास को लो जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए बनाकर रखी है। तो ये मसीहों पर, मसीहों के लिए, मसीहों पर ये कलाम है कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों। तो मेरे जो हम जितने भी मसीह लोग हैं, हम खुदा के बेटे हैं, बेटियां हैं, और जो है सितारे हैं, हमारे अंदर खुदावन का जिंदा जलाल नजर आना चाहिए। और ये क्रिसमस पिछले क्रिसमस की तरह नहीं, बल्कि एक अच्छे और रूहानी और बेहतरीन क्रिसमस की तरह हमारा क्रिसमस होना चाहिए कि हम बथेरों को यीशु के पास लेकर आए और यीशु मसीह को जो है जलाल मिले। खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें ये बड़ा फजल दिया है। हम खुदावन की तारीफ करते हैं। सो ये यहाँ पर हम मैसेज एंड अप करते हैं कि हमने मसीह के पास आना है और एक दूसरों को मसीह की खबर सुनानी है और बथेरों को मसीह के पास जमा करना है। आइए तमाम हम सब अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और दुआ करें। अजीम खुदा, पाक मेहरबान, हमारे फतेहमंद आसमानी बाप, तेरी पाक हुजूरी में शुक्रगुजारी करता हूँ ऐ खुदा आज के इस प्यारे अच्छे खूबसूरत वक्त के लिए, कलाम खुदा के लिए जिसमें खुदा हमने इस बात को जाना कि तूने हमें दुनिया से लग कर के बेटे बेटियों होने का शर्फ अता किया और चमकते हुए सितारों का लकब दिया और हमारे अंदर नूर जारी किया, और तूने खुदावन हमसे खुद कहा कि तुम दुनिया के नूर हो। आसमानी खुदावन तेरी पाक हुजूरी में आज के दिन के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ, और खास तौर पर खुदावन दुआ करता हूँ आसमानी खुदा ये जो क्रिसमस खुदावन तू अपने लोगों की जिंदगी में लेकर आया है, ऐ खुदा ये क्रिसमस हकीकी क्रिसमस बन जाए, बथेरे लोगों के लिए खुदावन रूहानी खुशी का भी बायस बने, रूहानी तरक्की का भी बायस बने, तेरे पास आने का वसीला बन जाए।
खुदावन बतेरे जो लोग तुझसे दूर हैं और जो खुदा ना मुनासिब जिंदगी बसर करें, जिंदा खुदा इस क्रिसमस पर वो तेरे पास आ जाएं, तेरे खुदावन कलाम की रोशनी में, तेरे खुदावन खादम जो खुदावन सितारों की तरह जगमगाते हैं, खिदमत करते हैं, उनके वसीला से खुदावन तेरी हुजूरी में खींचे आए और पाओ खुदावन वो उससे खुदावन बहुत सी बरकत पाए, हमेशा की जिंदगी पाए और खुदावन तुझे इज्जत मिले और जलाल मिले। मेरी दुआ है खुदावन खास तौर पर खुदावन इंग्लिश नेटवर्क टीवी के लिए और खुदावन तेरे खादम बंदा खुदावन पास्टर खुदावन जो है वो जितने भी इस टीम के अंदर शामिल हैं जिंदा खुदावन तुम सबको बरकत दे, बिलखसूस खुदावन तो अपने खादम बंदा खुदावन दानिश पीटर को अपने जलाल के लिए खुदावन दुनिया भर के अंदर इस्तेमाल कर और ये टीवी खुदावन तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होता रहे, बरकत का वसीला बनता रहे, लोगों के लिए निजात का वसीला बने और ये टीवी भी है खुदावन उस सितारे की तरह खुदावंद काम करे जो पूरब से निकला और खुदावंद मजूसियों को यस्सु तक ले आया। तो खुदा मेरी दुआ है ये एकदम ग्रेस नेटवर्क टीवी जो है खुदावंद ये भी एकदम सितारे की तरह एकदम ऐसा चमके कि दुनिया में जहां जहां लोग तरीकियों में हैं, अंधेरे में हैं, परेशानियों में हैं, मुश्किलात के अंदर हैं, खुदा भी उनको बाहर निकाले और तेरी खुदा हुजूरी में लेके आने का वसीला बन जाए। मैं खुदावंद दिल से खुदावंद इस टीवी को खुदा बरकत के लिए दुआ करता हूँ, खुदा तेरी बरकत जिंदा खुदा इस टीवी पर आए, उनके सारे लोगों पर आए, तमाम खादमों पर आए और खुदावंद इनके तमाम खुदा जो काम करने वाले वर्कर्स हैं इन सब पर खुदावंद तेरी बरकत है और सितारों की रोशनी खुदा इस टीवी के तमाम मेहमान पर हो और ये जगमगाते हुए खुदावंद रोशनी का तेरे नूर का वसीला बने और तुझे जलाल मिले। मैं खुदावंद एक बार फिर शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ और खुदावंद दुआ करता हूँ खुदावंद ग्रेस नेटवर्क टीवी और उनकी सारी टीम तुझ में बढ़े, तरक्की करे, तेरे जलाल का वसीला बने और बथेरों को तेरे पास लाने का बायस बन जाए। खुदावंद की सारी दुआ को अपनी पाक जुड़ी में कबूल कर तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।